जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि आरव का अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक से? दोस्तों आज बातचीत करूंगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इसमें आप लोगों को जैसे आप लोग सीबीटी टेस्ट अभी दे दिया है, आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा, आने के बाद आपको क्या बोलेगा, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। बहुत आदमी मुझे पूछा है सर फिजिकल में क्या ट्रेड टेस्ट भी होगा? नहीं होगा, आपको ट्रेड टेस्ट अलग से होगा। और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए कंप्लीट, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो होता है इसमें 20 मार्क आपको कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा, तो अभी आप सिलेक्ट हो पाएगा। 50 मार्क रहेगा और 20 मार्क। अब 20 मार्क कैसे ले सकता है, क्योंकि ऐसा वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलेगा। सीआरपीएफ तरफ से आपको जैसे मिला है ना वैकेंसी, ऐसा वैकेंसी कंप्लीट नहीं मिलेगा और फिर 2-3 साल के बाद ही आएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लेना, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों जो भी मैं वीडियो में बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाता हूँ और आप लोगों को हेल्प के लिए। दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को मैं बता दिया 50 से 20 मार्क्स चाहिए। और इसमें आ जाता है ड्राइवर में, पहले मैं बता रहा हूँ ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। ड्राइवर में है ड्राइविंग ट्रेड हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल इट्स। मतलब इसमें आपको क्या है, ड्राइविंग के बारे में आप लोगों को पूछेगा। उसके बाद जो इसमें हैंडलिंग आपको गाड़ी चलाने के लिए देगा, 1 टनर 3 टनर हो गया, जिप्सी हो गया, आपको हर तरीके से आप लोगों को देखा जाएगा। बैक करने के लिए भी देगा और आगे करने के लिए भी देगा, ऐसे आप लोगों को टेस्ट करेगा। ड्राइविंग का जो पार्ट होता है, जो भी हिस्सा होता है, सब कुछ आप लोगों को हल्का फुल्का, जो भी आप लोगों को क्या है ड्राइविंग मतलब करने से आपको हल्का फुल्का उसका नॉलेज भी होना चाहिए। कुछ ख़राब हो जाएगा रास्ता में, आप कैसे ठीक करेगा, आपको पार्ट्स के बारे में पूछेगा, ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, ऐसे सब कुछ ड्राइवर के बारे में आपको पूछेगा। मेंटेनेंस कैसे कर सकता है वो भी पूछेगा। उसका बाद आ जाता है दोस्तों जो फिटर है, फिटर का काम क्या होता है, नॉलेज इन ऑटोमोबाइल फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड हैंडलिंग ऑफ टूल्स। जो फिटर होता है दोस्तों, गाड़ी का जो भी जो ऑटोमोबाइल पढ़ाया करता है, जो ऑटोमोबाइल मतलब उसका जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बोलता है, आप लोगों को पता होगा सर, जैसे डीलर में रहता है ना, जैसे मारुति का हो गया, महिंद्रा का हो गया, इसमें जो डीलर में जो मतलब काम करता है मैकेनिक है, फिटर उसका काम है। उधर भी आपको डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या है, कुछ ख़राब हो जाने से आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उसका बाद जो भी गाड़ी है, जेप्सी हो, बाजे, कोई भी है गाड़ी, आप लोगों को देखभाल उसका करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा। कुछ ख़राब हो गया तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों को कुछ पुराना गाड़ी में भी आपको दे भी सकता है, इसका क्या प्रॉब्लम हो गया बताइए, इसका क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, मतलब सब कुछ आपको फिटर को वही पूछेगा। गाड़ी कैसे मतलब क्या है, गाड़ी जैसे आप लोगों को मेकर बोलता है, हमारा बाहर में भी बोला एक ये है गैरेज है, मतलब उसका गाड़ी का ठीक करने का टाइम आपको काम आपको सब कुछ आना चाहिए। फिटर मैकेनिक मतलब गाड़ी का रिलेटेड जो भी आपका गाड़ी का प्रॉब्लम है आपको ठीक करना पड़ेगा। इसका बाद आ जाता है दोस्तों बेगुलर प्लेइंग हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस बेगुल। बेगुल आपको प्लेइंग, आपको बेगुल क्या है बजाना भी पड़ेगा, उसका बाद हैंडलिंग कैसे यूज़ करता है, मेंटेनेंस कैसे रख सकता है, उसका बारे में आपको पूछेगा। जो आपको बजा नहीं सकता है बेगुल उनको तो अनफिट है दोस्तों। इसलिए आप अप्लाई किया है तो आप अप्लाई करेगा अभी 25 जुलाई को, उससे पहले आप इसका प्रैक्टिस कीजिए जरूर। बेगुलर का पोस्ट बहुत ही अच्छा है और बेगुलर से जीडी का एक ही है, क्योंकि बेगुलर में जैसे आप लोग रहेगा, जैसे जीडी बन जाएगा, आप हेड कॉन्स्टेबल बन जाएगा, तब आपका बेगुलर ट्रेड आपका सेंस हो जाएगा, कॉन्स्टेबल जीडी आ जाएगा। मैं सब कुछ ऐसे आप लोगों को कंप्लीट में बताने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे अच्छा जॉब मैं बोलना चाहता हूँ तो बेगुलर का भी बहुत है, ट्रेडमैन के अंडर आपको बेगुलर है और फिटर का भी जॉब अच्छा है, ड्राइवर का तो अच्छा है, तब भी मैं बता दूँ जीडी का नौकरी आपको राइफल लाना चाहिए तो आपको बेगुलर का ये जॉब ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहना। इसका बाद आ जाता है टेलर का। टेलर में क्या है, टेलर में आपको टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग आपको क्या है मेजरमेंट करने के लिए आपको दे सकता है, स्टिचिंग ऑफ टेरिकॉटन यूनिफॉर्म में आपको दिखाने, मतलब एक आदमी का आपको बोलेगा इसका माप लीजिए कितना होना चाहिए, एक पैंट एक शर्ट में कितना होना चाहिए, कैसे कटिंग करेगा, उसका बारे में आप लोगों को ये करेगा। सिविल क्लोथ भी आपको कटिंग, क्योंकि कई पर्दा आपको बनाना पड़ सकता है, कुछ बनाना चाहता है, मतलब ऐसे ही आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। स्टिचिंग एंड वार्म क्लोथिंग यूनिफॉर्म मतलब ये यूनिफॉर्म का रिलेटेड आपको सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बाद आ जाता है दोस्तों कुबलर में क्या, हैविंग नॉलेज ऑफ दिस ट्रेड, पॉलिशिंग ऑफ द शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, मेकिंग ऑफ न्यू शूज। और इसमें आप लोगों को क्या
करने के लिए दे सकता है। कुबलर में क्या है दोस्तों, मोसी बोल रहा है इसको, मोसी में क्या है आपको बोल सकते हैं, आपको इसका बूट को पॉलिश करके दिखाओ, बूट आपको सामरा लेदर कट के दिखाओ, जूता कैसे बना सकता है। इसके बाद आपको बोल सकता है इसमें फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैंस, इसमें आप लोगों को मटेरियल फिनिशिंग ऑफ मटेरियल नॉलेज ऑफ फिटिंग ऑफ बूट, ये तो कारपेंटर का हो गया, कुबलर का मैं बोल रहा था, कटिंग ऑफ लेदर, कटिंग कैसे आप लेदर कैसे कटिंग करेगा, इसके बाद पॉलिश कैसे करेगा जूता में, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, टूल्स आपको कैसे आपको क्या है, कौन सा टूल्स आपको किस में काम आ सकता है, ये सब कुछ बारे में आप लोगों को कुबलर में इतना ज़्यादा ये नहीं। मेकिंग ऑफ न्यू शूज कैसे बना सकता है, रिपेयर कैसे कर सकता है, वही है आप लोगों कुबलर का इतना ये नहीं है, कारपेंटर का आ जाता है। कारपेंटर में क्या है दोस्तों, खास ध्यान देने वाला है कारपेंटर, कारपेंटर का जॉब अच्छा है और इसमें आप लोगों को क्या है, हैंडलिंग टूल्स कटिंग ऑफ वुड, मतलब आपको जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग आपको करने के लिए आपको आना चाहिए, टूल्स के बारे में भी आपको कारपेंटर को पूछेगा, ये कौन सा ब्लेड है, ये कौन सा आपको, मतलब जो कारपेंटर का जो सामान होता है ना, आप एक बार साइड में देख लेना, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा, क्योंकि कारपेंटर का जो सामान है आप लोगों को उसमें आप लोगों को किट जो होता है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके बाद नॉलेज ऑफ फिटिंग ऑफ डोर, मतलब जो डोर है या विंडो है उनको लगाने के लिए, दरवाज़ा है, खिड़की है, जो है बनाने के लिए भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी कैंप का अंदर जो भी आपको आप लोगों का कारपेंटर का काम रहेगा, आपको एक मतलब मकान बनाना है, मतलब कोई एक रूम बनाना है कुछ श्रीनगर जैसे जगह में, बा कहीं में आपको क्या है कुछ बनाना है, टीना आपको लगाना है, बा कहीं आपको दरवाजे का फ्रेम लगाना, आप लोगों को वो करना पड़ेगा, कहीं टेबल भी बनाना पड़ सकता है, कहीं आपको तो स्टूल भी बनाना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, कारपेंटर का काम यही होता है दोस्तों। रैक भी बनाने के लिए बोल सकता है, इसमें लिखा है वुडन बॉक्स भी आपको बोल सकता है, बॉक्स बनाने के लिए आपको इसमें आपको क्या है क्या क्या करना पड़ेगा, आपको बनाने के लिए नहीं देगा, आपको पूछेगा इसका माप तोल क्या है, कैसे करेगा आप काम, वही पूछेगा, इतना टाइम में तो इतना नहीं बोल सकता है, बस आप लोगों को पूछे जाए। पेंटर का दोस्तों नौकरी है दोस्तों जीडी है, पेंटर में आप जैसे हेड कांस्टेबल बनने तक रहेगा, उसके बाद हेड कांस्टेबल जीडी आएगा, पेंटर नहीं आएगा आपका, इसलिए क्या है ये फॉरवर्ड है, ट्रेड है, तब भी आप लोगों का जीडी का है ये। पेंटर नॉलेज ऑफ कलर्स ऑफ पेंट्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज आना चाहिए, शायद पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि साइन बोर्ड इधर बहुत ही ज़रूरी है, कहीं भी आपको साइन बोर्ड लिखना है, ऑफिस में कुछ लिखना है पेंट करना, तो अब आपको मतलब ये करना पड़ेगा, उसका मोटर व्हीकल मतलब गाड़ी में भी कोई आपको नंबर प्लेट कोई भी मतलब कुछ भी है आपको पेंट करना है, तो आपको पेंटर को आपको लगाएगा, इसलिए पेंटर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पेंटर आप लोगों को इसमें क्या है, आप लोगों को पूछा जाएगा इसमें कैसे आप कितना मिलाएगा, इसमें पेंट में आपको इसमें कितना डालना पड़ेगा, पानी भाई ये कौन सा है, आप सब कुछ मतलब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेटर्स कैसे लिख सकते हैं आप, कौन सा ब्रश से आपको कौन सा पेंट करना चाहिए, मतलब यही बारे में आप लोगों को पेंटर को बोला। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाला गार्डनर, नॉलेज ऑफ प्लेनेटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड एंड डियर रेजन, मतलब इसमें आपको प्लेनेटेशन जो है मेंटेनेंस, मतलब इसके बारे में आपको पूछे वो कौन सा प्लांट्स है, इसको कैसे पेड़ को कैसे लगाना है, ज़मीन में कितना मतलब ये गार्ड देना है, कितना क्या क्या देना पड़ेगा, एक बगान आपको कैसे मतलब मेंटेनेंस कैसे रख सकता है, ऑफिस के सामने आपको कैंची से पकड़ के आपको कटिंग करने के लिए देगा, ये दिखाओ इसको प्लांट्स को, इसको लगाओ, इसका नाम क्या है, इसमें ज़मीन के गार्क में दिखाओ कैसे लगा सकता है इसको, वही है गार्डनर। और गार्डनर का जो जॉब है दोस्तों, ये जो माली बोल रहा है, माली का जॉब बहुत ही बेस्ट है, ये अभी जैसे कांस्टेबल माली रहता है, इसका जैसे हेड कांस्टेबल बन जाता है, उसका बाद आपको हेड कांस्टेबल जीडी आ जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा जॉब है, आप इसमें अप्लाई करें तो इसका जैसा मजा नहीं, पूरा जीडी का जॉब है, राइफल भी मिलेगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों ब्रेसबैंड, नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रेसबैंड इंस्ट्रूमेंट, ब्रेसबैंड का भी दोस्तों इसका भी प्रमोशन होता है, इसलिए दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रेसबैंड का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, आप लोगों को पूरा कंप्लीट आना चाहिए, और आपको पूछ भी सकते हैं, और आपको ब्रेसबैंड में पूरा आप लोगों को प्रैक्टिकल भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें पाइप बैंड जो है, इसका भी पाइप बैंड इंस्ट्रूमेंट जो है प्लेइंग भी आपको पाइप बैंड जो है बजाना भी पड़ेगा, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट भी जो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कुक, मेन आ जाता है दोस्तों CRPF में कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी बार बार, इससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी मतलब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किया है। कुक के बारे में मैं बता देता हूँ, कुक में है दोस्तों कुकिंग ऑफ चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली फॉर सम एंड कुकिंग ऑफ मीट, फिश। देखिए ये जो दिया है ना, इतना आपको पूछेगा, पहले पूछ सकता है आपको चपाती कैसे बना सकता है, आटा कैसे गूंद सकता है, 10 आदमी का आटा गूंदने के लिए कितना चाहिए, वेजिटेबल एग, आप सब्जी बताइए, ये बताओ सब्जी कौन सा है, सब्जी एग बनाने के लिए आपको क्या क्या फास्ट आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डालना पड़ेगा कैसे आप बता दीजिए, 10 आदमी का सब्जी कितना मतलब डाल सकता है, बात दाल कितना चाहिए,
10 आदमी का दाल आपको परिमाण भी पूछ सकता है। मीट आपको बनाना है तो मीट आपको इतना लेके आ जाएगा तो कितना बनाएगा, आलू कितना चाहिए, इसमें मसाला कौन सा पड़ेगा, वही है आपको इडली कैसे बना सकता है, उसका आपको सांभर कैसे बना सकता है, आपको परिमाण भी पूछेगा और आपको पूरा मसाला से लेके सब आपको राशन का जो भी आइटम का पूरा आपको आना चाहिए दोस्तों, तभी आप आराम से पास हो सकता है। 100 मैन का इसमें दे रहा है, 100 मैन का आपको खाना बनाना है तो कितना आपको चावल चाहिए, रोटी कितना बनाना पड़ेगा, कैसे सब्जी कितना से, वही है दोस्तों खीर कैसे बना सकता है, वेजिटेबल जो भी आइटम है आप लोग पूरा देख लेना दोस्तों। अंडा करी हो गया, एग करी हो गया, फिश करी हो गया, मीट हो गया, खीर हो गया, ये डेली बनता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। कुक में इतना ज़्यादा टेंशन लेने का वाला कोई बात नहीं, सांभर भी बनाता है उसके बाद राजमा भी बनाता है, ये थोड़ा बहुत आप सीख लेगा ना बस हो जाएगा। इसका बनाने के लिए नहीं देगा आपको, सिर्फ पूछेगा इसमें क्या क्या पड़ सकता है। वाटर कैरियर, वॉशिंग ऑफ यूटेंशियल, नीडिंग ऑफ आटा और मेकिंग सपाट, ये जो वाटर कैरियर होता है दोस्तों सेम कुक का है, कुक का जैसे मैं बोल दिया वही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, कुक का जैसे जॉब है सेम वैसे है। और बार बार हेयर, इस बार का बात आ जाता है, बार बार का कैसा है, बार बार का मज़ा है, सबसे मज़ा जॉब है बार बार। प्रमोशन तो आपको क्या है, अभी आजकल तो आ गया प्रमोशन, तो अभी बार बार में आप रहेगा राइफल देने का आपको मौका नहीं मिले, तो अभी मैं ट्रेट बता देता हूँ। हैंडलिंग ऑफ टूल्स के बारे में आपको पूछेगा पक्का। हेयर कटिंग एंड सेविंग ऑफ, सेविंग कैसे कर सकते हैं, हेयर कटिंग कैसे कर सकते, वो भी खुद देखेगा, एक आदमी का ऊपर करेगा बोला कैसे कट के एक बार दिखाओ। हैंडलिंग ऑफ टूल्स के बारे में भी पूछेगा आपको। हेयर कटिंग ऑफ महिलाज और हेयर ड्रेसर, फीमेल के लिए भी, जो फीमेल कैंडिडेट होगा फीमेल के लिए भी आपको पूछे हेयर ड्रेसर कैसे कर सकता है, मतलब ये सब कुछ आप लोगों को देखा जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पक्का पूछेगा, इसलिए थोड़ा सा खास ध्यान देना। इसके बाद आ जाता है वाशरमैन, वाशरमैन क्या है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, धोने के लिए आपको आना चाहिए, कपड़ा कैसे धुलाई होता है। आयरन ऑफ खाकी कॉटन, खाकी कॉटन में आपको आयरन कैसे कर सकता है, उलेन में कैसे कर सकता है, टीसी यूनिफॉर्म में कैसे कर सकता है, आपको पूरा कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, प्रेस कैसे करता है और धोने के लिए कैसे, आप लोग कहीं दाग लग गया तो क्या कैसे हटा सकता है, वो भी आपको आना चाहिए। वॉशिंग मशीन, वाशरमैन और वाशरों में वही है जॉब। सफा कर्मचारी के मेन बात है सफा कर्मचारी में बहुत ही कैंडिडेट अप्लाई किया है। सफा कर्मचारी के स्वीपिंग ऑफ फ्लोर कैसे आप साफ सफा कर सकते हैं, कैसे आप झाड़ू लगा के पूछा लगे, कैसे आप पहले आपको पूछ के झाड़ू मारेगा पूछा मारेगा, अब जैसे स्टेप बाई है वो आप बता देना, झाड़ू मारने के लिए क्या क्या चाहिए, रूम साफ करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लीनर का जरूरत है जैसे आपको उसमें आपको मतलब क्या क्या, डेटॉल से भी आप साफ कर सकते हैं, रूम क्लीनिंग कर सकते हैं, आपको टॉयलेट साफ करने के लिए क्या चाहिए, उसमें हार्पिक चाहिए बा आपको फिनाइल भी चाहिए, वही है आप लोगों को, वही बारे में आप लोगों को पूछे बा टॉयलेट कैसे साफ कर सकता है, बाथरूम साफ करके दिखाओ, बाथरूम में गंदगी है तो कैसे साफ करेगा, मतलब इसका बारे में आप लोगों को सफा करना, क्योंकि आपका शर्म से सब कुछ हटाना पड़ेगा तभी आप नौकरी कर पाएगी, इसलिए आप लोगों को वही टेस्ट करेगा। मेसन का क्या है, पियोनियर जो हो रहा है मेसन का क्या है, नॉलेज ऑफ मेसनरी वर्क, हैंडलिंग टूल्स, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, ये जो है सीमेंट का काम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको आना से, आपको पूछ सकता है सीमेंट इतना चाहिए तो इतना बालू देने से आपको एक मतलब ये मकान या आपको कोई भी आपको कुछ बनाने के लिए ये जो आप लोगों को बताएगा उसमें कितना चाहिए, पानी कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, आपको सीमेंट कितना डालना है, कितना बालू डालना है, ये आप लोगों को और दिखाने के लिए भी देगा, एक ईंट का ऊपर आप लगा के दिखाइए कैसे आप लगा सकता है। मेसन का यही है आपको कैलकुलेशन, मैक्सिमम सीमेंट, पिलर कैसे बना सकता है एरिया में, वॉल कैसे बना सकता है, वही है दोस्तों। प्लम्बर आ जाता है, प्लम्बर में क्या है दोस्तों, प्लम्बर में है नॉलेज ऑफ प्लम्बरिंग वर्क, प्लम्बर में जो प्लम्बरिंग जो वर्क है आपको आना चाहिए, हैंडलिंग टूल्स भी है जो आपको हैंडलिंग भी करने के लिए आपको आना चाहिए। प्लम्बर में आपको पानी का पाइप कहीं जॉइंट में टूट गया है, कहीं आपको पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद पीवीसी पाइप कौन सा होता है, जीआई क्या है, यूज ऑफ जीआई एंड पीवीसी, फिटिंग ऑफ पाइप, फिटिंग कैसे करें कॉर्नर पे, उसके बाद आपको एचएचसी पाइप्स एंड टैप्स, मतलब ये बिल्डिंग यूज हाइट ऑफ अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसमें कैसे ये कर सकता है, ये प्लम्बरिंग का हो गया। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिशियन का कैसा जॉब होता है, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, फिटिंग ऑफ एमसीबी, फिटिंग ऑफ प्लग, इलेक्ट्रिशियन क्या है आपको एमसीबी आपको फिटिंग करने के लिए भी आना चाहिए, फिटिंग ऑफ प्लग भी आपको देखेगा, प्लग कैसे फिटिंग कर सकता है, बल्ब भी कैसे लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट होल्डर सप्लाई 11,000 वोल्टेज एंड 440 वोल्टेज, प्रिपेरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल, फिटिंग ऑफ जनरेटर सेट, यूज ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर, सब कुछ आपको बारे में आपको कंप्लीट आना चाहिए, तो अभी आप आराम से पास हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का जॉब भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, आप लोग जो मैं बता दिया ये ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा पार्ट टू में आपको ड्राफ्टी से लेके सब कुछ जो भी पियन है ड्राफ्टी है ये सब कुछ मैं वीडियो सफा कर्मचारी मिनिस्टर सब कुछ वीडियो लेके आ जाऊंगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।